हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेज लेसन इज चैप्टर 14, नेशनल फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट EVS, क्लास सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी होल लेसन टू इजी अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। हमने लास्ट चैप्टर में फेस्टिवल्स पढ़े थे, राइट। अब हम नेशनल फेस्टिवल्स देखेंगे, यानी कि हमारे राष्ट्र के फेस्टिवल, राष्ट्रीय फेस्टिवल्स। आवर नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से है? इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है एंड गांधी जयंती। ये तीन हमारे नेशनल फेस्टिवल है, यानी कि राष्ट्रीय फेस्टिवल है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15th ऑफ अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1947, इस दिन 1947 के ईयर में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इंडिया क्या बन गया था? इंडिपेंडेंट बन गया था, स्वतंत्र बन गया था। That is, we got freedom from the British rule. और हमें आजादी मिली थी ब्रिटिशों से, उनके गुलामगिरी से हमें आजादी मिली थी 14th ऑफ अगस्त 1947 को। इसलिए तब से हम इंडिपेंडेंस डे इस दिन मनाते हैं। On this day, the national flag is hoisted and national anthem is sung in every neighborhood. यहाँ पे देखिए, नेशनल फ्लैग जो है वो फैला रहे हैं और यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। हमारे आसपास की नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस की जगह पे नेशनल फ्लैग होस्टेज किए जाते हैं, यानी कि फैलाए जाते हैं, और नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट अवर नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग जो है, हमारा झंडा जो है तिरंगा, वो लहरा रहे हैं। इन दिल्ली, दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग एंड मार्च पास आर हेल्ड इन ऑल स्कूल। सभी स्कूल में क्या होता है? फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, यानी कि तिरंगा लहराया जाता है, और मार्च पास यानी कि परेड निकाले जाते हैं। और ये हो गया इंडिपेंडेंस डे के बारे में हमने अब पढ़ा बच्चों। अब हम रिपब्लिक डे के बारे में देखेंगे क्या है। लेट्स सी अबाउट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे 26th ऑफ जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज अ ग्रैंड परेड ऑफ द आर्म फोर्स, पुलिस एंड स्कूल चिल्ड्रन ऑन राजपथ इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए, ये परेड निकल रही है आर्म फोर्स की, पुलिस की एंड स्कूल के चिल्ड्रंस की। कहाँ पे निकलती है परेड? राजपथ में, न्यू दिल्ली में निकलती है 26 जनवरी को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो सल्यूट करते हैं। फोक डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस कलरफुल इवेंट। इस कलरफुल इवेंट में अलग अलग स्टेट से आए हुए फोक डांसर्स भी पार्ट लेते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 16 इयर्स ऑफ एज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डीड्स। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो है वो 16 साल के कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग डीड्स यानी कि उनके बहादुर काम के लिए दिया जाता है। सो लेट्स सी अबाउट गांधी जयंती। गांधी जयंती फॉल्स ऑन द 2nd of October एवरी ईयर। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2nd October को हर साल मनाया जाता है। इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का ये बर्थ एनिवर्सरी होता है। द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन यानी कि हमारे राष्ट्रपिता। ऑन दिस डे प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड एट हिज समाधि एट राजघाट न्यू दिल्ली। उस दिन प्रेयर मीटिंग ली जाती है, कहाँ पे?
उनकी जो समाधि है राजघाट पे न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ले जाती है। डू यू नो, देखते क्या है, अवर नेशनल एंथम जनगण मन वॉज कम्पोज बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है वो किनके द्वारा कंपोज किया गया, किनके द्वारा बनाया गया? जनगण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, क्लासरूम एक्टिविटी, मेक अ चार्ट ऑफ अवर नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड एंड डिस्प्ले इट ऑन द क्लास बोर्ड। यहाँ पे क्या करने का है आपको, एक चार्ट बनाने का है अवर नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम यानी कि सत्यमेव जयते का जो सिंबल है उसका, नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा का, नेशनल एनिमल हमारा जो नेशनल एनिमल है उसका, और नेशनल बर्ड का क्या करना है आपको, चार्ट बना के डिस्प्ले करना है क्लास के बोर्ड में। रिमेम्बर, फर्स्ट वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August। हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15th of August को। सेकेंड, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द 26th of January। हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26th of January को। थर्ड, गांधी जयंती फॉल्स ऑन द 2nd of October। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2nd of October को। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट आर द 3 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हमारे नेशनल फ्लैग का, हमारे नेशनल फ्लैग के कौन से 3 कलर्स है वो हमें लिखने हैं। हमारे नेशनल फ्लैग में ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन ये कलर आते हैं 3, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन आर द 3 कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकेंड, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th January। थर्ड, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। हमारे राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे महात्मा गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस करना है और करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। फर्स्ट, गांधी जयंती फॉल्स ऑन 14th November। गांधी जयंती 14th November को आता है क्या, नहीं, 2nd of October को गांधी जयंती आता है, तो आप ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। सेकेंड, ऑन द इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर और नेशनल फ्लैग लहराते हैं रेड फोर्ट पे, यस लहराते, तो आप यहाँ पे टिक करोगे। थर्ड, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 2nd October 1950। इंडिया रिपब्लिक हुआ था यानी कि स्वतंत्र हुआ था 2nd October हुआ था क्या, 2nd October 1950 को हुआ था क्या, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फोर्थ, गांधी जी समाधि इज एट राजघाट। गांधी जी की समाधि कहाँ पे है, राजघाट पे है, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे। थर्ड, थिंग्स टू डू, ड्रॉ एंड कलर अवर नेशनल फ्लैग इन योर स्क्रैप बुक। आपकी स्क्रैप बुक में नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। तो ये आज का हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो ये लेसन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।